जिला कांगड़ा में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिला में लंबे समय के उपरांत बुधवार को 69 मामले दर्ज किए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि इन 69 मामलों में से एक क्लस्टर तिब्बतियन इंस्टीट्यूट नॉरबिलिंग के सामने आया है। सीएमओ ने बताया कि इस क्षेत्र में पिछले एक दो दिनों में मामले सामने आ रहे हैं। उसके उपरांत विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा इस इंस्टीट्यूट से पिछले कल 93 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक इस इंस्टीट्यूट में 28 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें नॉरबिलिंग में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में जुटी हुई हैं। सीएमओ ने बताया कि इस तिब्बतन इंस्टीट्यूट में 300 के आसपास लोग रहते हैं और सभी लक्षण वाले लोगों की जांच करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि विभाग ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। सीएमओ कांगड़ा ने बताया कि वैक्सीनेशन कोरोना संक्रमण से बचने का एक कारगर उपाय है और जिला कांगड़ा में अभी तक 11,60,000 के लगभग लोगों को कोविड वैक्सीनेशन की प्रथम डोज लगाई जा चुकी है, जो कि लगभग 100% है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जिला कांगड़ा में लगभग 44% आबादी को कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोजें लग चुकी हैं। सीएमओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी पात्र लोग प्रथम और दूसरी डोज लगवाएं और जल्द से जल्द अभी अपने आप को वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। पिछले कुछ दिनों में जो है ये मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले कल भी हमारे जिला में जो थे बड़े दिनों के बाद जो थे 69 न्यू केसेस रिपोर्ट हुए। उनमें से मेजॉरिटी एक क्लस्टर जो था वो नॉर्बिलिंग का इंस्टीट्यूट, जो तिब्बतन का इंस्टीट्यूट है, वहाँ के लोग थे। पिछले दो तीन दिन से एक दो मामले आ रहे थे, जब हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और कल 93 सैंपल्स लिए, उसमें से कुछ लगभग 16-17 लोग वहाँ से पॉजिटिव आए और टोटल उस इंस्टीट्यूट में अभी तक 28 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। हमारी टीमें आज भी उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग डिटेल में कर रही हैं। वहाँ जैसे मेरे को बताया गया है लगभग 300 के आसपास इनहेबिटेंट हैं उस इंस्टीट्यूट में। जिसको सिम्टोमेटिक हो, हमने आदेश जारी किए हैं कि उनको तुरंत उनकी जांच की जाए और जो और भी उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी एक दो दिन में उनकी भी जांच की जाएगी। हमने प्रशासन से अनुरोध किया है कि उस एरिया को कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित किया जाए। वैक्सीनेशन जो है वो कोविड से बचने का एक कारगर उपाय है। मैं अपने जिला कांगड़ा में हम लगभग 11,59,000 से ज़्यादा लोगों को प्रथम डोज लगा चुके हैं, जो लगभग हमारे लक्ष्य का 100% के आसपास है और उसमें से हम लगभग 44% लोगों को फुली वैक्सीनेट कर चुके हैं, जिनको दोनों डोजेज लग चुकी हैं। दूसरी डोज जो है वो प्रथम डोज के 84 डेज के बाद है और जिस व्यक्ति ने जो फुली वैक्सीनेटेड होता है उसमें इस रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। मेरी हर एक दर्शक से अपील रहेगी कि जो भी पात्र व्यक्ति जिसको फर्स्ट या सेकंड डोज लगनी है वो तुरंत नज़दीक के वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच के वैक्सीन लगवाए।